भाजयुमो अध्यक्ष, सरकार ऊपर तंज कसत हुए कहिस के झूठ के पुलिंदा के सरकारी जेनहा किसान मन ल ठगत हे। युवा मोर्चा बहुत सारे मुद्दों का अध्ययन कर रहा है, क्या क्या अध्ययन कर लिए और आने वाले दिनों में क्या? साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, झूठ के पुलिंदे के आधार पर सरकार आई है। जो किसानों के ऋण माफी का विषय है, कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक के सिवा पूरे दूसरे बैंक जिसमें SBI भी शामिल है, नोडल बैंक हो तो हुआ करता है हर जिले में, वो उन बैंकों से जिन किसानों ने कर्ज लिया है उस पर आज तक कोई संदेश उन बैंकों तक पहुंचा नहीं है। अभी जो इंटरमीडिएट बिल इन्होंने इंटरिम बजट लाया है, उस इंटरिम बजट में भी उसका प्रावधान नहीं है। मार्च तक यानी कि कोई संभावना नहीं है, और मार्च तक बैंकों को ऋण वापस लेना होता है, किसानों को एक बार पटाना ही पड़ेगा। और नहीं तो इस सरकार से यही हमारी मांग है कि कम से कम उन बैंकों तक ये संदेश पहुंचे कि इन किसानों को पैसे पटाने की जरूरत नहीं है। संदेश किसानों तक पहुंच रहा है और बैंक वसूली के लिए किसानों के घर जा रहे हैं, ये गलत है। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना एक बहुत अच्छी योजना केंद्र की सरकार ने बनाई है, अरे अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचने से क्यों रोकना? उस आयुष्मान भारत की योजना को लागू नहीं करेंगे ये कह रहे हैं। आरक्षण, ST SC और OBC वर्गों के आरक्षण को बिना छुए उनको सुरक्षित रखते हुए अगर गरीबों को आरक्षण मिल रहा है, और ये बिल्कुल ना प्रचारित करें कि सवर्णों का आरक्षण है, ये गरीबों के लिए आरक्षण है। और गरीबों को आरक्षण मिल रहा है तो विधि मंत्री कहते हैं कल कि आरक्षण यहाँ लागू नहीं किया जाएगा। विधि मंत्री महोदय आप देख लेना, आपको ये आरक्षण लागू करना पड़ेगा। आपके खुद पार्टी ने दोनों सदनों में इस आरक्षण का समर्थन किया है, ये संभावना ही नहीं हो सकती कि आप इसको लागू ना करें। इस फिराक में आप मत रहिएगा कि सिर्फ राजनीति करके आप इस अच्छे निर्णय को रोक लेंगे।